हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी श्राद्ध पर चल रहे हैं, तो बाबा जी का श्राद्ध हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन मम्मी का भी होना है, क्योंकि मम्मी का 3 साल हो गया, तो उसमें मिलाने का रहता है, तो पूरी विधि विधान से पूजा होगी, वो सब करना है। तो आज दीदी, छोटी वाली दीदी आ रही हैं, बस आने ही वाली होंगी आधे घंटे के अंदर। तो ये गए हैं हुए हैं लेने, और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उनका और इशी का। और अभी ये देखिए, मान्या का जितना भी बर्थडे का डेकोरेशन है, अभी वैसे ही हो रखा है, बिल्कुल नहीं हटाया गया। बलून भी लगे हुए हैं और ये अच्छा लग रहा था, तो अभी नहीं हटाया गया है। तो बस अभी हम चल रहे हैं नाश्ता की तैयारी करने, उनके आने के पहले हम नाश्ता तैयार करके रखते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह के निकले हुए हैं, भूख लगी होगी, तो वो सारा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, अब दे देते हैं। ये ऐशी का है, ये दीदी लोगों को घुमाया जा रहा है। ओहो, ओ माय गॉड, ये देखो, अरे वाह, मैं बॉल डाल ली, बॉल डाल ली, कभी कभी पिला भी देती है। तीन चार अरे एक पापा रे, मैं हार के कह रही, खेलो तो, अभी खेल शुरू नहीं करी, हार है। हम जैसे बोलते हार के रख के यहाँ खेलो, ये चला लेती है, यहाँ रख के खेलो, इसी दिखती तो नहीं, हाथ में पकड़। दीदी आने वाली है, दीदी आने वाली। हम और दीदी आ गए हैं मार्केट, क्योंकि हमें लेना है सुहाग का सामान। जितनी भी औरतों को हम खाने के लिए बुलाएंगे, तो उनको हम पूरा सुहाग का सामान देंगे। तो दुकान पे पहुंच के, क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं होता क्या क्या चीज़ें देनी है, अच्छा है कि दुकान वाले भैया के पास पूरी लिस्ट बनी हुई है सुहाग का, तो वो उससे सारा सामान निकाल के हम लोग को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सारा सामान हो गया पैक, और अब हम चलते हैं घर के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है, और आज है मम्मी का श्राद्ध। सारी घर में पूजा होगी, और उसके बाद सुहागन को खिलाया जाएगा, पंडित जी खाएंगे, और जो मान होती हैं बुआ जी लोग को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो शायद बुआ जी लोग भी कानपुर से आएंगी। मतलब जो भी विधि होती है मम्मी को मिलाने का, वो सारी चीज़ें आज होंगी। और अभी पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू हो गई है, तो बस हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है। तो पंडित जी आ चुके हैं, इन्होंने टाइमिंग 8:30 बजे बोला था आने को, और वो 8:30 बजे ही आ गए थे, बस हम लोग थोड़ा सा लेट थे। तो अभी बज रहे हैं 9, और सारी तैयारियां पंडित जी ने यहाँ पे शुरू कर दी हैं। खाना भी बनाना हमने अपना शुरू कर दिया, काफी चीजें हो गई हैं, जैसे कि खीर बन गया है, ग्रेवी वाली सब्जी बन गई है, और सूखी सब्जी के लिए सब्जियां कट कर रहे हैं। थोड़ी सी कट कल ही कर लिया था, लेकिन कम लग रही, तो आज कट कर रहे हैं। दाल भून गई है, तो आज खाने में बन रहा है ग्रेवी वाली सब्जी, आलू मटर टमाटर की, क्योंकि आज लहसुन प्राय कुछ भी नहीं पड़ेगा ना, तो कुछ सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं। हाँ पापा, शायद हाँ, पंडित के यहाँ पर सामान बहुत लगता है, पूरा रखते हैं, उसके बावजूद छोटी छोटी चीजें होती है, वो बीच बीच में देना पड़ता है। तो अब क्या क्या बचा है? सिर्फ पूरी और कचौड़ी बची है, बाकी सारी चीजें हो गई। पूजा भी हमारा लास्ट स्टेज पे, मतलब खत्म ही होने वाला है, और उसके बाद खाना चलेगा। और वो लोग नहीं आए? अच्छा, वो सुहागन वाले वो आ जाएंगे, बस फोन कर देंगे, मेरा पहले से क्या उनको बुलाए, ओके गाइस, तो मिलते हैं। ये सब्जी बन गई दूसरी वाली, जितनी भी पत्तले निकलती हैं गाय की, कौवा की, भगवान जी की, तो सब निकाल दिया है, और अब है बारी कन्याओं की। सबसे पहले कन्या को दे दें, पंडित जी को खिला दें, फिर उसके बाद सुहाग में आएंगे। तो यहाँ पे कन्याओं में मान्या खा रही हैं, उनको दे दिया है, खाओ मान्या, शुरू करो, और फिर उसके बाद सुहाग ले खाएंगे।
क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो कितनी छोटी सी बच्ची। छुपाई कर रहे हो? अच्छा छुपाई कर ले। गाइस आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी बच्ची काम कर सकती है। हाँ इसी छोटी सी बच्ची काम कर रही है। हाँ देख सकते हैं। पर ये बड़ी सी बच्ची सिर्फ कचरा करती है। हाँ सभी बोल सकते हैं। सभी बोल ही रहे हैं। सब लोग खा के जा चुके थे और सारा काम हो गया और अब आई हैं गौरी खाना खाने, क्योंकि ये गई हुई थी कोचिंग, अभी आई हैं वापस। और अभी जो 5:30 बजे बुआ जी लोग भी आ गई कानपुर से, कुछ काम था उसके बाद लेकिन आई। सबसे अच्छा ये लगता कि कितना भी काम हो सब कुछ निपटा के उन्होंने, उनको लगा कि फंक्शन अटेंड करना है तो वो लोग आ गए हैं। और अभी बस चलते हैं, उन लोग को देते हैं चाय। इसे दो हम खाने खा ले रहे हैं, वन ले ले रहे हैं। जानती नहीं ना सबकी नानी। नानी खाएंगी नहीं? नहीं, नानी के साथ कानपुर चलो। कानपुर जाना? कानपुर चलो, कानपुर चलो नानी के साथ, वहाँ इतने सारे मखाने बना देंगे। मैंने कानपुर के लिए इतने मखाने बना दिए। बुआ फूफा जी अभी जाने ही वाले हैं, वो लोग बोल रहे हैं जाने के लिए, तो हम कर रहे हैं उनके खाने का इंतजाम, उनको खिला के फिर भेजेंगे। कौन नहीं है? कौन देख लाते दलाते लाते चुता बने चुता बने चुता बने भग लेती है। अरे इधर तो आओ दीदी। कहाँ है दीदी, बताओ कहाँ है? वो कमरे में। हाँ वो कमरे में। तो जाओ कमरे में। कमरे में कौन जाती है? कहाँ पर इधर देख के तुम ना। अच्छा अच्छा, अच्छा मामी जी को पाली कर दो जल्दी से, मामी जी को पाली कर दो। कुछ मत चुता मत उसको पाली करती। छोटा मुन्ना मुन्ना वाला कौन? दीदी दीदी वहाँ पे है, जाओ दीदी वहाँ पे है। नहीं, पापा नहीं। देख देख के रहो, नाना जी हैं वहाँ पे, कोई नहीं है। नाना जी जाओ, नहीं जाना नाना जी के पास। क्यों नहीं जाना? वो नहीं आ। लाओ हम दिखा दे। वो देखो दीदी ये बैठी। दीदी दीदी तुम आ जाओ, मैं फैन का काम कर रही हूं। अभी 8:30 बज रहे हैं और बुआ जी फूफा जी कानपुर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अंधेरा हो रहा है। हमको खुद जाने का मन नहीं करता, मतलब उम्मीद हमको ये लगा था कि शाम हो गई अब शायद बुआ जी नहीं आएंगे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।